लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आ रहा, ये सिर्फ काम याद आ रहा है। कैसे काम कर लूं, थोड़ा एनर्जी बचा लूं, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। गरीब, गरीबी वो होती है ना, गरीब इंसान का अगर लोहा से हाथ कट जाता है ना, तो पैसे बचाने के लिए वो 20 रुपए का टिटनस का इंजेक्शन नहीं लेता है। क्या समझेंगे आप गरीबी? दुनिया में सबसे वाहियात और बेशरम चीज है तो गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं है। उम्र का भी लिहाज नहीं रखती है, छोटे बच्चों को भी रुला देती है। अगर कोई गरीब इंसान फल खरीद के ले जा रहा है तो आप कन्फर्म समझिए कि उसके घर कोई ना कोई बीमार पड़ा है। इतनी खराब स्थिति है भारत में। अगर फल खरीद रहा है मतलब कन्फर्म उस गरीब इंसान के घर में कोई बीमार पड़ा है। मौत से इंसान एक बार मरता है, गरीबी से हर सुबह इंसान की जान जाती है। कभी उसके इज्जत से कोई खेलेगा, कभी गाली गलौज करेगा, कभी कुछ पैदा हो गया है तो अब मरेगा भी। कोविड से नहीं मरे इसका ये मतलब थोड़े कि अब अमर हो गया। बाप मरेंगे ना, मरना भी दो तरीके से होता है, पूरा जीवन बाइनरी है। एक लकड़ी से जला के, और आजकल टाइम भी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी से, लोग कहते हैं कि जल्दी जलिए, ऑफिस भी जाना है, उतना टाइम नहीं है कि हम आप पे रोए, ये करें वो करें, ऐसा कुछ किए भी नहीं थे, कर्जा लिए थे आप तो जल्दी मरिए, उतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम एक दिन रोए। तो दो तरीके से लोग मर रहे हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है। तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा? राइट, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की।